हमारे देश के बहुत सारे बच्चे सिर्फ मोबाइल फोन चला रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। 50% of teens report that they feel addicted to their cell phones. इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो नेट इंटरनेट यूज करने से हुई है। मोबाइल और ये आईफोन आईपैड जो हम यूज करते हैं, हमारे बच्चे बहुत ज्यादा कसरत से यूज करते हैं। इंडिया में जहां एक टाइम पर बच्चे बाहर जाकर खेलना पसंद करते थे, वहीं आज के टाइम पर मोबाइल फोन के ज्यादा यूसेज की वजह से उनका इंटरेस्ट आउटडोर एक्टिविटीज तक में कम होता जा रहा है। रिसर्च हैव प्रूवन दैट एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से बच्चों के लर्निंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बच्चे के सोशल स्किल्स खत्म हो रहे हैं, बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स खत्म हो रहे हैं। वो जो स्क्रीन टाइम है वो इतना ज्यादा बच्चों को डोपामिन रश दे रहा है कि उनको सारी नॉर्मल एक्टिविटीज बहुत बोरिंग लगने लग गई है। और इसी ज्यादा स्मार्टफोन की यूसेज की वजह से इंडिया के 60% बच्चे डिजिटल एडिक्शन के रिस्क पर खड़े हैं। और बाकी दूसरे एडिक्शन की तरह ही अगर कोई भी बच्चों को स्मार्टफोन चलाते हुए डिस्टर्ब करता है या उन्हें मोबाइल से दूर कर देता है तो वो हद से ज्यादा इरिटेटेड और गुस्सा करने लगते हैं। नहीं मिलेगा मोबाइल। मगर सिर्फ यही नहीं बल्कि आज के टाइम पर बच्चों को मोबाइल गेमिंग की इतनी ज्यादा लत लग चुकी है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड और असली दुनिया तक में फर्क तक नहीं पता लगा सकते। जैसे कि एक 13 साल के बच्चे ने मोबाइल गेम्स के अंदर 52 लाख रुपए स्पेंड करके अपनी माँ की जिंदगी भर की कमाई को एक झटके में ही उड़ा दिया, ये सोचते हुए कि वो वर्चुअल करेंसी स्पेंड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की एक महिला के 16 साल के लड़के ने फ्री फायर गेम में 36 लाख जितना बड़ा अमाउंट तक खर्च कर दिया। लेकिन अगर अभी भी आपको ये लग रहा है कि इंडिया में बच्चों में बढ़ता ये स्मार्टफोन एडिक्शन इतना सीरियस इशू नहीं है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि स्मार्टफोन एडिक्शन अब इतना ज्यादा घातक हो चुका है कि मुंबई के 16 साल के बच्चे ने अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवा दी क्योंकि उसके फादर ने उससे फोन छीन लिया था। Could smartphones be the source of a new mental health crisis? New research shows smartphone addiction could be changing your brain. तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन सा रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में इन नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच स्मार्टफोन एडिक्शन इतनी हद तक बढ़ चुका है कि वो अच्छाई और बुराई तक में डिफरेंस फर्क करना तक भूल चुके हैं। आप बच्चों को खुश करने के लिए उसकी जिस छोटी सी डिमांड को फौरन पूरा कर देते हैं, असल में वो उनकी सेहत और जिंदगी से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और तो और ये भी बात करेंगे, जहां इंडिया में हर एक पेरेंट अपने बच्चों की थोड़ी सी जिद पर ही उन्हें स्मार्टफोन दिला देते हैं, वहीं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स तो अपने खुद के बच्चों को आईपैड तक चलाने नहीं देते थे। साल 2016 में जियो के लॉन्च होने के बाद इंडिया में एक नया डिजिटल रेवोल्यूशन आया, जहां ना सिर्फ कंज्यूमर को अक्वायर करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट को कुछ पीरियड के लिए फ्री में ऑफर किया गया। दे आर प्रोवाइडिंग 4G इंटरनेट फॉर फ्री टिल 31st दिसंबर। फ्री डेटा है और फ्री कॉल्स है 3 मंथ्स के लिए। बल्कि जियो के 4G इंटरनेट को हद से ज्यादा चीपर रेट पर प्रोवाइड करने की वजह से इंटरनेट इंडिया में गांव-गांव तक पहुंचने लगा। और जहां एक टाइम पर इंडियन स्टूडेंट को रिजल्ट चेक करने तक के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था। So we used to have to travel for hours to book a train ticket or to check exam results. Now I do all of this on my phone. वहीं आज के टाइम पर हालत ये हो चुकी है कि सिर्फ शहर के बच्चे ही नहीं बल्कि 90% ऑफ रूरल एरियाज के बच्चों के पास भी एक स्मार्टफोन जरूर मिल जाएगा। हालांकि परेशानी की बात ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास अब स्मार्टफोन है, बल्कि परेशानी की बात तो यह है कि ये बच्चे इन स्मार्टफोन को हद से कहीं ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक स्टडी के हिसाब से हर एक बच्चा ऑन एन एवरेज 6.5 घंटा या उससे भी कहीं ज्यादा टाइम फोन चलाते हुए बिताता है। और जो भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, वो अपने स्मार्टफोन पे चाइनीज और अमेरिकन से ज्यादा समय बिताते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ही असर डालता है। जैसा कि हाल ही में अलवर शहर के एक बच्चे को ज्यादा स्मार्टफोन चलाने की वजह से अचानक से झटके आने लगे, जहां 15 साल के इस बच्चे ने 6 महीने पहले से पबजी और फ्री फायर गेम खेलना शुरू किया और आज हालत ये हो गई है कि उसका मानसिक संतुलन और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और हाथ पांव भी अब कांपने लगे हैं। और बिल्कुल इसी तरह के केसेस आपको कई और शहरों में भी देखने को मिलेंगे। तो
इंडिया में बच्चों के स्मार्टफोन के एडिक्शन के पीछे की पहली वजह इंडियन पेरेंट्स खुद ही हैं, क्योंकि एक बच्चा वही मिमिक या कॉपी करता है जो वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखता है। और क्योंकि आजकल के पेरेंट्स खुद भी मोबाइल फोन पर ही चिपके रहते हैं, इसलिए सिर्फ उन्हें देखा देखी बच्चों को भी हर टाइम स्मार्टफोन्स चाहिए रहते हैं। इसके अलावा आज के इंडियन पेरेंट्स जब ज्यादा बिजी होते हैं या फिर वो अपने बच्चों को संभाल ही नहीं पा रहे होते और उन्हें ज्यादा गुस्सा करते हुए देखते हैं, तो वो खुद ही उन्हें स्मार्टफोन दे देते हैं ताकि वो अपने बच्चों से पीछा छुड़ा सके। नहीं शीला, मगर उन्हें स्मार्टफोन देने के बाद शुरुआत में वो ये तक नहीं सोचते कि आगे चलकर ये स्मार्टफोन ही उनके लिए एक एडिक्शन की शक्ल ले लेगा, बल्कि शुरुआत में तो वो ये देखते हैं कि उनका छोटा सा बच्चा इतनी कम उम्र में ही स्मार्टफोन को इतनी आसानी से ऑपरेट कर रहा है, तो वो उल्टा खुश होते हैं बिना ये सोचे कि इसमें उनके बच्चे में कोई खासियत नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन कंपनी ने ही अपने स्मार्टफोन को इतना सिंपल डिजाइन कर दिया है कि एक छोटा सा बच्चा तक उसे ऑपरेट कर सकता है। हालांकि इसके बावजूद भी 40% इंडियन पेरेंट्स ये मानते हैं कि उनके बच्चे स्मार्टफोन एडिक्ट बन चुके हैं, मगर शायद ही कोई इंडियन पेरेंट्स ये एग्री करेगा कि उनके बच्चों के स्मार्टफोन एडिक्शन की असली वजह वो खुद भी हैं। जनरेशन अल्फा या जेन अल्फा, यानी वो बच्चे जो 2010 से 2025 के बीच जन्म ले चुके हैं या लेने वाले हैं, वो जनरेशन है जिसने स्मार्टफोन का इस्तेमाल अपने बोलने और यहाँ तक चलने से भी कहीं पहले कर लिया है। और इतनी कम उम्र में ही स्मार्टफोन का एक्सपोजर ना सिर्फ एक बड़ी वजह है स्मार्टफोन के एडिक्शन की, बल्कि एक रिपोर्ट के हिसाब से तो इतनी कम एज में मिल रहे स्मार्टफोन्स काफी इफेक्ट डालते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर एक अडल्टहुड तक पहुँचने पर। आज की तारीख में 9-10 महीने के बच्चे के सामने मोबाइल आता है तो खिलौने बाजू में रख के मोबाइल को हाथ लगाता है। आज के टाइम पर सोशल मीडिया एप्स को इस तरह डिजाइन किया गया है जिसकी वजह से हर कुछ सेकंड्स में मोबाइल की स्क्रीन चेंज हो जाती है, और हर बार मोबाइल की स्क्रीन चेंज होने पर व्यूअर्स को एक एक्साइटमेंट मिलता है और वीडियो और भी ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है, जिनकी वजह से बच्चों की आंखें ज्यादा देर तक स्मार्टफोन्स पर टिकी रहती हैं। मगर बार बार और जल्दी जल्दी स्क्रीन चेंज होने की वजह से उनका अटेंशन स्पैन भी हद से ज्यादा कम होता जा रहा है। और फिर आए फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क्स, जहां पर एक टॉपिक को देखने में, एक पोस्ट को देखने में आप आमतौर पर 1 मिनट का समय लगाते होंगे, लेकिन टिकटॉक इस चीज को और भी एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है। एक टिकटॉक के वीडियो को देखने में अब सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगते हैं। अब सोचकर देखिए, हमारे अटेंशन स्पैन्स इतने कम हो गए हैं कि हर 10 सेकंड में हमें कुछ नया एंटरटेनिंग चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि ये सब जानते हुए भी बड़े यूट्यूबर्स और यहाँ तक मैं भी अपनी वीडियोस में बार बार स्क्रीन चेंज करना छोड़ देते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही नहीं बनाते, बल्कि आज के टाइम पर लोगों का अटेंशन इतना हद तक कम हो चुका है, अगर हम ऐसा अपनी वीडियो में नहीं करेंगे तो यूट्यूब एल्गोरिदम ही हमारी वीडियोस को आगे लोगों तक रिकमेंड ही नहीं करेगा। वो बात अलग है कि मेरी वीडियोस पर यूं भी व्यूज नहीं आते। अच्छा ठीक है, खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि बार बार चेंज हो रही स्क्रीन हमारे दिमाग में डोपामीन रश पैदा करता है। ये वही केमिकल है जिससे हम या हमारे बच्चे ज्यादा हैप्पी, सेटिस्फाइड और एक्साइटेड फील करते हैं, और यही डोपामीन भी एक एडिक्शन की शक्ल ले लेता है, क्योंकि जब उनसे फोन ले लिया जाता है तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। आज के टाइम पर इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बच्चे खुद का पर्सनल स्मार्टफोन ओन करते हैं, और उसके पीछे की असली वजह है पेयर प्रेशर, क्योंकि बच्चों के पास इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो लोगों के पास नई चीजों को देखकर अपने आप को रोक सकें। और अगर उनका कोई फ्रेंड नया फोन खरीदता है तो उन्हें देखा देखी हर हाल में उन्हें भी स्मार्टफोन चाहिए रहता है, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदा ना हो सके। इसके अलावा नए गेम्स के ट्रेंड भी काफी इफेक्ट डालते हैं इन बच्चों के ज्यादा से ज्यादा देर तक स्मार्टफोन यूज करने के। हालांकि ऐसा नहीं है कि बच्चे एंटरटेनमेंट और वीडियो गेम्स के लिए ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आज के टाइम पर बढ़ते ऑनलाइन ट्रेंड्स की वजह से स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग्स और दूसरी स्टडी मटेरियल जैसी फैसिलिटीज को भी बच्चे अपने मोबाइल पर ही एक्सेस कर रहे हैं। मेरी छोटी बेटी छोटी है तो मुझे भी उसके संग बैठना पड़ता है, सारे दिन होमवर्क आता रहता है, वो कराना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस। इसी वजह से भले ही इंडियन पेरेंट्स एक टाइम पर अपने बच्चों को गेम्स या दूसरी एंटरटेनमेंट चीजें चलाने के लिए रोक भी लें, मगर जब पढ़ाई की बात आती है तो इंडियन पेरेंट्स को उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता। इसी वजह से इंडियन चिल्ड्रन का स्क्रीन टाइम ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से भी काफी बढ़ चुका है।
भले ही आज के टाइम पर इंडिया में और भी ज्यादा बेहतर और नई पार्क खुल चुकी हैं, लेकिन एक नई रिसर्च के हिसाब से आज की जनरेशन के नए इंडियन चिल्ड्रंस के पास बाहर जाकर खेलने तक की कम अपॉर्चुनिटी है पहले की जनरेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि आज की जनरेशन के बच्चे अपना ज्यादातर टाइम घर के अंदर ही घंटों स्मार्टफोन या कंप्यूटर के आगे ही बैठकर बिताते हैं, जिसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स भी इन स्मार्टफोन्स को स्टडी की जगह एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास इन स्मार्टफोन्स की जगह पर दूसरी एक्टिविटी करने की ना तो अपॉर्चुनिटी है और ना ही इंटरेस्ट। जहाँ हमारे वक्त पर शाम के टाइम पर पार्क में पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, वहीं आज के टाइम पर कुछ पार्क्स की हालत तो ऐसी हो चुकी है कि वो बिल्कुल खाली पड़ी होती हैं, और जो भरी भी होती हैं उनमें बच्चों से ज्यादा तो अडल्ट्स आते हैं। बहुत तेज हो रहा है। और तो और बच्चे तो टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा निर्भर हो चुके हैं कि वर्चुअल रियलिटी या वीआर हेडसेट का इस्तेमाल ही उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी का साधन रह गया है। घंटों घंटों तक एक ही पोजीशन में स्मार्टफोन चलाने से न सिर्फ इन छोटे बच्चों को इतनी कम उम्र में ही पोस्चर की प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि इसी स्मार्टफोन की एडिक्शन की वजह से एम्स की एक स्टडी के हिसाब से हर 4 में से एक बच्चा विजन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। टीवी और मोबाइल पर घंटों खर्च करने वाले बच्चों पर एम्स दिल्ली ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक टीवी और मोबाइल की लत बहुत तेजी से बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा रही है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो गेम खेलने की वजह से 10 से 15 साल के उम्र के बच्चों को वीक आईसाइट जैसी गंभीर प्रॉब्लम होने के चांसेस 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। इस वजह से मेरे फोन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मेरे आईज पे बहुत स्ट्रेस आ रहा है और मेरे सर में दर्द होता है, मुझे चक्कर जैसा लगता है, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है। मगर सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये स्मार्टफोन ही एक बड़ा कारण है इतनी कम उम्र में ही बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम, इंसोम्निया जैसे और भी कई बड़ी समस्याओं की, जो आज से कुछ साल पहले सिर्फ बड़े और अडल्ट लोगों में ही देखने को मिलती थी। बल्कि कुछ रिपोर्ट के हिसाब से तो ज्यादा स्मार्टफोन यूसेज और उससे निकलने वाली रेडिएशन से कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। शायद यही कुछ वजह से एप्पल जितनी बड़ी कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स अपने बच्चों को आईपैड तक इस्तेमाल करने नहीं देते थे। 2 years later when he was asked your kids must love the iPad, he said actually we don't allow the iPad in the home. We think it's too dangerous for them. क्योंकि वो पहले से जानते थे कि ये कितना एडिक्टिव या डेंजरस हो सकता है उनके यूथ के लिए। इसके अलावा Xiaomi इंडिया के CEO मनु कुमार जैन ने तो ये बोला कि अपने बच्चों को स्मार्टफोन्स देना पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया, बचपन में ज्यादा स्मार्टफोन का यूसेज बड़े होने पर उनके मेंटल डिसऑर्डर के चांसेस काफी हद तक बढ़ा सकता है। मगर सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों को मेंटली और फिजिकली ही इफेक्ट करता है, बल्कि ये स्मार्टफोन एडिक्शन बच्चों के सोशल एस्पेक्ट के लिए भी सही नहीं है। एक आर्टिकल के हिसाब से इंडिया के छोटे बच्चे बाकी दुनिया के कंपैरिजन में 7% ज्यादा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा स्मार्टफोन एक्सपोजर की वजह से इंडियन चिल्ड्रन के ऑनलाइन साइबर बुलिंग एक्सपीरियंस करने के चांसेस भी 5% ज्यादा होते हैं ग्लोबल एवरेज से। क्योंकि आज के टाइम पर ना सिर्फ बच्चे ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं, बल्कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस टाइम पर कंटेंट बनाकर अपलोड भी कर रहे हैं, इसीलिए अक्सर बच्चों को ये क्रिंज हरकतें करने के लिए ट्रोल भी किया जाता है। मगर बच्चे इतने मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि वो इन ट्रोल्स को झेल सके। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री में बढ़ते स्मार्टफोन एडिक्शन को देखते हुए स्टेप्स उठाए हैं। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 विल हैव रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू देयर स्मार्टफोन्स इन चाइना। दरअसल बच्चे ज्यादा देर तक स्मार्टफोन में ही न उलझे रहे, इसके लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के निर्देश पर चीन की इंटरनेट निगरानी संस्था ने कुछ नियम तैयार किए हैं, जिससे स्मार्टफोन का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। मगर वहीं इंडियन लोग स्मार्टफोन एडिक्शन को लेकर इतने जागरूक ही नहीं है कि वो कोई स्टेप्स उठा सकें। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, अगर आप वीडियो के इतने एंड तक आ गए हैं तो मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स शेयर जरूर करूंगा, जिनकी मदद से आप अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करके उन्हें स्मार्टफोन एडिक्शन से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले उनसे एकदम से स्मार्टफोन छीनने के बजाय उनके स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि अचानक से ही स्मार्टफोन छीन लेने से उनके अंदर डिप्रेशन और एंगर इशू की समस्या सिर्फ बढ़ेगी ही। जब भी आपका बच्चा स्मार्टफोन यूज करने की जिद करे तो उसे अल्टरनेटिव यानी दूसरी एक्टिविटीज में एंगेज करने की कोशिश करें, जिसमें उसका थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट हो, बल्कि खुद भी उसकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा ऐप स्टोर पर कई पेरेंटल कंट्रोल एप्स भी अवेलेबल हैं,
जिसकी मदद से आप ना सिर्फ बच्चों के स्मार्टफोन्स यूसेज को ट्रैक कर सकते हैं बल्कि कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे गूगल फैमिली लिंक जैसे और भी कई सारे ऐप्स। मगर इन सभी चीजों के इस्तेमाल से पहले आपको खुद ही अपनी हैबिट चेक करनी होगी कि कहीं आप खुद ही तो स्मार्टफोन एडिक्शन का शिकार तो नहीं, क्योंकि एक बच्चा अपनी पहली हैबिट अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।